मेरा नाम डॉक्टर रेहाना रहीम है। मैं मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में बतौरे प्रोफेसर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। आज की इस वीडियो का मॉड्यूल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है और ये इस रिप्रोडक्टिव मेडिसिन मॉड्यूल का बहुत अहम हिस्सा है। एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने की हैसियत से हमने एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पर्सनल बिलीव्स या ज़्याती ख्यालात का मवाजना उनके प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या पेशेवराना जिम्मेदारियों के साथ करना है। एक हेल्प केयर प्रोफेशनल होने की हैसियत से हमें रोज़ाना वक्तन फवक्तन इन हालात का सामना करना पड़ता है और ऐसे हालात का मुकाबला या इस हालात के हल के लिए हमें साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक काम करना होता है। ज़ाती अकायद और पेशेवराना जिम्मेदारियों के वीडियो का आगाज़ हम कुछ सवालात से करेंगे और आप ख़ुद कुछ देर के लिए सोचिए कि आप इनमें से किस बयान से इत्तेफाक़ करते हैं। नंबर एक, आप ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां असकाते हमल पर खुल कर बात नहीं की जाती थी। नंबर दो, आपने असकाते हमल के बारे में बात करते हुए बेचैनी या अनकंफर्टेबल महसूस किया है। नंबर तीन, आपकी ज़िंदगी के किसी मौके पर आपको यकीन था कि असकाते हमल गलत है। नंबर चार, आपको ये यकीन के साथ बताया गया था कि असकाते हमल करना औरत का हक है। नंबर पाँच, आपने सुना है कि बच्चों के कातिलों की इस्तिलाह उन ख़वातीन और सेहत के कारकुनान के लिए इस्तेमाल की जाती है जो असकाते हमल करते हैं। नंबर छः, आपको यकीन है कि असकाते हमल के लिए एक अच्छे तावनी माशरती माहौल की ज़रूरत है। और आखिर में, आपको यकीन है कि तमाम ख़वातीन महफूज आला मायार की असकाते हमल खिदमात तक रसाई की मुस्तहिक हैं। जब आप इनमें से हर एक बयान की जांच पड़ताल करते हैं तो आप सोचें, क्या आप महफूज और कानूनी असकाते हमल की मुहैया सहूलियात से मुतमईन हैं? वजूहात से कतई नज़र, आप हर औरत के लिए महफूज असकाते हमल की खदमात फराम करने की हिमायत करेंगे। दर्जे ज़ेल में अखलाकियात या बुनियादी इकदार के चार सतून, जिन पर आम तौर पर तमाम सेहत की देखभाल के पेशों में इत्तेफाक किया जाता है, शामिल हैं। इनमें से नंबर एक, बेनिफिसेंस या मरीज को फ़ायदा पहुंचाना। नंबर दो, नॉन मैलिफिसेंस, जिसका मतलब है कि मरीज को किसी तरीके से किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाना। नंबर तीन, जस्टिस, मरीज के साथ इंसाफ के साथ काम लेना। और सबसे आखिर में, ऑटोनॉमी या खुद मुख्तारी, मरीज को अपने इलाज मुंतखब करने की इजाज़त देना और उसकी ख्वाहिशात का एहतराम करना। हम में से हर एक के ज़ाती अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन सेहत की देखभाल करने वाले तमाम पेशेवर अफराद या प्रोफेशनल्स की मुंदरजा ज़ेल जिम्मेदारियाँ हैं। हर मरीज को फ़ायदा मुहैया करना और नुकसान से बचाना, उनसे मुनासिब सलूक करना और उनके लिए परेशानी का बायस ना बनना और मुनासिब तिब्बी खिदमात तक रसाई से कभी इनकार ना करना। तिब्बी लिहाज के मुताबिक तमाम मुमकिन इलाज की ऑप्शंस के बारे में मरीज को आगाह करना और उसके इंतखाब करदा इलाज का एहतराम करना। मरीज को तिब्बी खिदमात तक बर वक्त रसाई के हक को तस्लीम करना। ये तस्लीम करना कि डॉक्टर्स या प्रैक्टिशनर्स को अपने जायज़ एतकाद का एहतराम करते और कानूनी दायरे के अंदर रहते हुए किसी इलाज के करने या ना करने का हक है। प्रोफेशनल की हैसियत से तौलीदी सेहत या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खिदमात को साइंसी तरीक़ाकार और पेशेवराना तौर पर अंजाम दें और ज़ाती अकायद की बुनियाद पर किसी इलाज को गलत करार ना दें। अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों को सर अंजाम देते हुए ये सोचें कि इन में से कौन सी जिम्मेदारी आपको अंजाम देने में सबसे ज़्यादा आसान लगेगी
और कौन सी जिम्मेदारी आपके लिए मुश्किल या चैलेंजिंग साबित होगी। आप इस बात पर जोर दें कि अगर आप बतौर सेहत निगहदाश्त पेशेवर किसी मखसूस इलाज या चीज पर एतराज करते हैं, तो आपको चाहिए कि मरीज को किसी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास भेज दें कि जिस पर आपको यकीन हो कि वो डॉक्टर इलाज तक रसाई से इनकार नहीं करेगा और मरीज के लिए परेशानी या नुकसान का सबब भी नहीं बनेगा। डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स अपने जाती अकायद के मुताबिक मरीज का इलाज कर सकते हैं, बशर्तिया वो कानून के मुताबिक रहें और मरीजों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक ना करें। मजीद ये कि सेहत की सहूलियात तक रसाई से इनकार ना करें और मरीजों को तकलीफ़ पहुंचाने का सबब ना बनें।